नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 की तैयारियां बीसीसीआई शुरू कर चुकी है और जल्द ही आईपीएल 2021 का मेगा ऑक्शन होने वाला है, जिसमें हम कई टीमों के खिलाड़ियों को एक बार फिर से यहां पर ऑक्शन में बिकते हुए देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आईपीएल 2021 में कुछ अलग होने जा रहा है। वो अलग ये है कि आईपीएल 2021 में 8 नहीं बल्कि 10 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 9वीं और 10वीं टीम है, उनकी स्क्वाड क्या बनने वाली है और कौन सा खिलाड़ी उन टीमों की तरफ से कप्तानी करता हुआ नजर आएगा। यानी कि हम 15 सदस्य टीम बताएंगे दोनों टीमों की, यानी कि गुजरात और यूपी की। और इसके साथ ही हम आपको दोनों टीमों के कप्तानों के बारे में और खिलाड़ियों के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए देखते रहें वीडियो को पूरा अंत तक। और साथ ही आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और आप भी चाहते हैं कि आईपीएल 2021 में 10 टीमें हिस्सा लें तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 में जो दो नई टीमें आने वाली हैं, वो होने वाली है एक उत्तर प्रदेश की तो एक होने वाली है गुजरात की। गुजरात की टीम पहले भी आईपीएल में खेल चुकी है, जिसकी कप्तानी सुरेश रैना ने की थी, लेकिन इस बार और भी अलग होगा। हम बात करें गुजरात की तो अब तक गुजरात में क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो चुका है, जो कि है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। और इस स्टेडियम का आकार अब तक के क्रिकेट के किसी भी स्टेडियम से बड़ा है। तो यहाँ पर आईपीएल के कई मुकाबले होने हैं और साथ ही इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच आईपीएल से ठीक पहले 5 मुकाबलों की T20 सीरीज खेली जाएगी और 5ों मुकाबले इसी मैदान पर होने वाले हैं, जिसके बाद आईपीएल के भी सबसे ज़्यादा मुकाबले इसी मैदान पर हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिसके चलते यहां पर गुजरात की एक टीम होगी तो यहां पर उसको होम एडवांटेज मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर दर्शक भी काफ़ी मैदान पर देखने के लिए उमड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैदान पर 1 लाख से ज़्यादा दर्शक एक साथ मुकाबला देख सकते हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने वाला है बीसीसीआई को। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन आईपीएल में उत्तर प्रदेश की अब तक कोई भी टीम नहीं है। तो यहाँ पर आईपीएल 2021 में आईपीएल की ये 10वीं टीम उत्तर प्रदेश की हो सकती है। उत्तर प्रदेश के वैसे तो सुरेश रैना एक शानदार खिलाड़ी है और लोकल खिलाड़ी के तौर पर सुरेश रैना इस टीम के कप्तान भी बन सकते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर लखनऊ में एक शानदार क्रिकेट स्टेडियम है जो कि इस टीम का होम क्रिकेट ग्राउंड हो सकता है। और यहाँ पर अगर टीम हिस्सा लेती है तो फिर यानी कि आईपीएल में 10 टीमें हमें खेलती हुई दिखेगी, जिसमें गुजरात और उत्तर प्रदेश की 2 टीमें होगी। इसका मुख्य कारण है गुजरात और उत्तर प्रदेश में 2 शानदार क्रिकेट स्टेडियम होना, जिससे कि यहाँ की टीमें यहाँ पर शानदार प्रदर्शन कर सकती है और साथ ही दोनों जगह पर यहाँ पर दर्शक भी मैदान पर आकर मैच को देख सकेंगे। यानी कि 2 शानदार मैदानों पर 2 शानदार टीमें हमें खेलती हुई दिखेगी, जिससे आईपीएल 2021 का रोमांच और बढ़ जाएगा और हमें एक साथ 10 टीमों का मुकाबला भी देखने को मिलेगा। साथ ही आईपीएल 2021 में एक टीम में 5 विदेशी खिलाड़ी भी हमें खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर 2 नई टीमें जो गुजरात और उत्तर प्रदेश से आने वाली है, इन दोनों टीमों की कप्तानी कौन करेगा। तो जहाँ तक बात करें, इन दोनों टीमों की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे हमें अजिंक्य रहाणे और उनके साथ होंगे सुरेश रैना, यानी कि दोनों टीमों के कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुरेश रैना होंगे। आखिर हम बात करें कि अब कौन सी टीम के कप्तान सुरेश रैना होंगे और कौन सी टीम के अजिंक्य रहाणे। तो यहाँ पर गुजरात की टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे बन सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम के कप्तान सुरेश रैना हो सकते हैं, क्योंकि सुरेश रैना एक लोकल बॉय है, वो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं तो फिर वो टीम के कप्तान भी हो सकते हैं। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर दोनों टीमों के कप्तानों के अनुभव के, तो अब तक दोनों टीमों के कप्तानों के पास अच्छा खासा कप्तानी का अनुभव है। अजिंक्य रहाणे की बात करें तो वो राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं, तो वहीं पर सुरेश रैना गुजरात लॉयंस की कप्तानी कर चुके हैं इससे पहले आईपीएल में 2 सीजन तक, और साथ ही कई बार वो चेन्नई सुपर किंग्स को भी लीड कर चुके हैं। यानी कि दोनों कप्तानों के पास अच्छा खासा अनुभव है और आईपीएल 2021 में वो अपनी कप्तानी को साबित करने के साथ साथ 2 नई टीमों को यहाँ पर टूर्नामेंट में शानदार तरीका प्रदर्शन करवा सकते हैं और यहाँ पर आईपीएल का रोमांच दुगना कर सकते हैं। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं गुजरात की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की टीम की स्क्वाड के बारे में कि आखिरकार ऑक्शन में कौन कौन से खिलाड़ियों को ये टीम खरीद कर अपने स्क्वाड में शामिल करेगी और साथ ही कौन होगा टीमों का विकेट कीपर और कप्तान। इसके बारे में हम तमाम जानकारी आपको पूरी देंगे और साथ ही आपको 15 सदस्य स्क्वाड के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर गुजरात की टीम के बारे में कि आखिरकार उस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 में गुजरात की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे हमें अजिंक्य रहाणे, यानी कि इस टीम के कप्तान है अजिंक्य रहाणे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, तो दूसरे नंबर पर हैं करुण नायर, तो वहीं पर तीसरे खिलाड़ी के तौर पर मनन वोरा उतरेंगे। वहीं पर चौथे खिलाड़ी होंगे इस टीम के विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, तो पाँचवें खिलाड़ी एंड्रयू टाई है, तो छठे खिलाड़ी डेविड मिलर और सातवें खिलाड़ी कुलदीप यादव हैं।
वहीं पर 8वें खिलाड़ी के तौर पर पैट कमिंस उतरेंगे तो 9वें खिलाड़ी सिद्धेश लाड, 10वें खिलाड़ी टीम सैफर्ट, 11वें खिलाड़ी सेल्डन कोटरेल, 12वें खिलाड़ी टीम साउथी, 13वें खिलाड़ी हर्षदीप सिंह, 14वें खिलाड़ी है अवेश खान और 15वें खिलाड़ी है किमो पॉल। यानी कि टीम के पास ये 15 खिलाड़ी यहाँ पर खरीदने का पूरी तरह से मौका रहेगा और इन खिलाड़ियों को अगर अपनी टीम में शामिल करते हैं अजिंक्य रहाणे और इनके साथी तो यहाँ पर टीम काफ़ी शानदार बन जाएगी। इसके अलावा टीम में बेहतरीन विकेटकीपर के तौर पर अनुभवी विकेटकीपर दिनेश कार्तिक मौजूद रहने वाले हैं, तो साथ ही साथ टीम में पैट कमिंस भी आ जाएंगे। यानी कि एक मजबूत टीम के तौर पर नज़र आ रही है इस समय तक यहाँ पर गुजरात की टीम। वहीं पर अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की टीम की, तो उत्तर प्रदेश की टीम के कप्तान सुरेश रैना नज़र आ सकते हैं। सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा है, लेकिन शायद ही वो अगले साल उस टीम से खेलेंगे तो वो ये कप्तान हो सकते हैं। यानी कि सुरेश रैना कप्तान, इसके बाद इस टीम की तरफ से क्रिस लिन खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर कर्ण शर्मा, डेनियल सेम्स, एलेक्स कैरी इस टीम के विकेट कीपर होंगे, तो साथ ही मोहित शर्मा, हर्षल पटेल। इसके बाद बात करते हैं नंबर 8 की, तो यहाँ पर उतरने वाले हैं मोइन अली, 9वें एन पिंच, 10वें मोहम्मद नबी, 11वें खलील अहमद, 12वें खिलाड़ी विराट सिंह, 13वें खिलाड़ी डेविड मिलन, 14वें खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल और 15वें खिलाड़ी बेन डंक बन सकते हैं इस टीम का हिस्सा। यानी कि काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है सुरेश रैना की ये टीम। अगर कुछ इसी प्रकार के खिलाड़ियों को खरीद लेती है आईपीएल 2021 में, तो फिर ये टीम आईपीएल की सबसे खतरनाक टीम हो सकती है। हालांकि हमने सिर्फ 15 सदस्य स्क्वाड ही बताए हैं, टीम 24 खिलाड़ियों का स्क्वाड बना सकती है। यानी कि 9 और बेहतरीन खिलाड़ी अपने स्क्वाड में शामिल कर सकते हैं और साथ ही बन सकते हैं आईपीएल 2021 के सबसे खतरनाक टीम के तौर पर। साथ ही आईपीएल 2021 में अगर ये दो टीमें हिस्सा लेती हैं तो फिर यहाँ पर मुकाबले ग्रुप स्टेज में भी हो सकते हैं। यानी कि एक ग्रुप में 5 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। साथ ही 5 टीमों में जो टॉप की 2 टीमें रहेगी वो यहाँ पर आगे क्वालिफाई कर जाएगी दोनों ग्रुप से, और इसके बाद ग्रुप में टॉप पर रहने वाली दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा क्वालिफायर, जबकि नीचे की टीमों के बीच खेला जाएगा एलिमिनेटर। यानी कि आईपीएल का रोमांच और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम आपसे कमेंट में पूछना चाहते हैं कि क्या दोनों टीमें अगर शामिल होती है तो फिर ग्रुप स्टेज में मुकाबले होने चाहिए या फिर लीग स्टेज में ही, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही आपको स्क्वाड देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम मजबूत है इन दोनों टीमों में से, सुरेश रैना की टीम या फिर अजिंक्य रहाणे की टीम, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अपनी महत्वपूर्ण राय देकर हमें अपने स्क्वाड ज़रूर बताएं कि इन दोनों टीमों में कौन कौन से खिलाड़ियों को और शामिल करना चाहिए। वैसे अगर आईपीएल का ऑक्शन होगा, अगर मेगा ऑक्शन होता है, तो फिर यहाँ पर टीमों के पास कई मौका रहेंगे खिलाड़ियों को खरीदने का, क्योंकि एक टीम सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी और आरटीएम कार्ड के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 आरटीएम कार्ड एक टीम को दिए जा सकते हैं। यानी कि सिर्फ 8 खिलाड़ी रिटेन कर पाएगी, इसके बाद जो बचे हुए खिलाड़ी हैं उनको ज़रूर एक से दूसरी टीम में खरीदा जा सकता है। तो इन टीमों के पास बेहतरीन मौका है अपनी मजबूत स्क्वाड बनाने का। तो आप हमें अपनी राय ज़रूर दें कि किन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए इन टीमों को, और साथ ही आपको ये स्क्वाड जो हमने बताई वो कैसी लगी और कौन सी टीम की मजबूत है, अजिंक्य रहाणे या सुरेश रैना, बताएं जरूर। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।